घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। कौन से गीत हैं, जो कौन सी गज़ल है, या किस किस प्रकार के भजन जो हैं इसमें बनते हैं राग शिवरंजनी में। जैसे कि मैंने कहा कि दुख अगर इसमें दिखाया जाए तो कुछ फिल्मी गीत हैं जिनकी मैं थोड़ी बहुत चर्चा कर दूं, जो कि बहुत फेमस हैं। और भी बहुत सारे गीत हैं, पर हाँ मैंने उसमें कुछ चुनिंदा ही लिए हैं, ज़्यादा लिस्ट लंबी ना करते हुए। तो बहुत पुराना एक गाना है, हाँ मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, है ना। आप अगर एक बार राग का स्वरूप सुन लें और उसके बाद उसका गीत सुनें तो कहीं ना कहीं आपको वो मैच करता हुआ नज़र आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये जो चलन है, ये जो स्वर संगतियाँ हैं, या ये जो मूड है, ये जो मिजाज है राग का, ये मुझे हाँ इस गीत में वो अक्स दिख रहा है ना। क्योंकि सुगम होता है तो उसमें थोड़ी बहुत छेड़छाड़ हो जाती है, मगर फिर भी वो अक्स तो नहीं जाता है ना। जैसे गुलाब और गुलाब जल है ना, तो आपको वो, या गुलाब का इत्र ले लो कोई, तो आपने अगर गुलाब सूंघा हुआ है तो आपको वो खुशबू मालूम है कैसी होती है, तो वही आपको कहीं ना कहीं उसमें नज़र आ जाएगी वो अक्स जो है, वो छाया जो है। तो वो इसमें आप देखिए कैसे आ रहा है, प धसा धसा सा धगा रे सा, ठीक है। अगला जो गीत है वो भी ऐसा ही है, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी याद में। अब यहाँ हल्का सा मध्यम जो है मैं लगा सकता हूँ अगर खूबसूरती लानी है, याद में, लेकिन मध्यम राग में नहीं है। याद में नजरों को हम बिछाएंगे, तो इसके खुशी वाले शब्द तो हैं ही नहीं अगर आप इसको पढ़ पा रहे हो चीजों को, ठीक है। फिर है, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, है ना, जा लेके जाएगी, ये सेम उसी में है, दिल के झरोके में, है ना। ये भी जो रफी साहब का गाना है, डा 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 डा, सा 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 रे ग प सा 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 रे ग प, रखूंगा मैं दिल के पास, डा 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 डा। ये भी वही राग है ना, तेरे मेरे बीच में, है ना, ये जो लता जी ने गाया है, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में, कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना, है ना। ये भी ये आपको सुन के मालूम चल रहा होगा कि हाँ कहीं ना कहीं वही माहौल है ना। और दो गीत और मैं आपको बताऊं फिल्मी, तो बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, देखा शुद्ध गंधार कितनी खूबसूरती से गया, मेरा महबूब आया है, है ना। फिर है, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, शुद्ध गंधार है पूरा, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, पूरा शुद्ध गंधार कांग है। फिर हम कुछ खान साहब की, गुलाम अली खान साहब की कुछ गज़लें अगर इसमें देखें तो बहुत ही फेमस गज़ल है उनकी, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, इन्होंने भी शुद्ध गंधार कैसे लगाया, मुसाफिर,
पगा रे ग रे ग रे सा, ठीक है। फिर वो इनकी बहुत खूबसूरत गजल है, इतना टूटा हूँ। अब यहां बात आती है सुगम अंग, अंग में अगर हम जाते हैं तो एक राग होती है मधुवंती, है ना, जिसके जिसमें और इसमें क्या फर्क है कि उसमें मध्यम और निषाद दोनों लगते हैं जो कि इसमें वर्जित हैं, लेकिन उसमें मध्यम तीव्र लगता है। तो अगर सा रे गा बा धा सा धा पा गा रे धा सा, इसमें निषाद और मध्यम लगा दो तो नि सा गा मा बा नि सा धा पा मा बा गा सा रे नि सा धा नि सा। सिमिलैरिटी नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ कि संप्रकृति है, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन खान साहब ने जो गजलें बनाई हैं उसमें उन्होंने मधुवंती और शिवरंजनी का मिश्रण जो है कई जगह प्रयोग किया है, है ना। उन्होंने प्योर शिवरंजनी ली है लेकिन कई जगह उन्होंने मधुवंती का टच दिया है, तो वो इसीलिए मैं बताना चाह रहा था कि मधुवंती भी एक राग होती है। इतना टूटा हूँ के छूने, तीव्र मध्यम है, छूने से बिखर जाऊंगा, शुद्ध मध्यम भी लगा दिया इन्होंने, पर हाँ चलन जो है वो एक, अगर उसका देखे जाए छाया जो है वो इसकी आती है। अब अगर और दुआ दोगे, दुआ मध्यम धैवत ऋषभ, दुआ दोगे तो मर जा, शुद्ध नहीं लगाया, मर जाऊंगा, है ना, पर हाँ शिवरंजनी का बेस है। फिर एक गजल ये है, तू कहीं भी रहे सर पे तेरे इल्जाम तो है, शुद्ध गंधार दोनों गंधार लगाए इन्होंने इसमें, तू कहीं भी रहे सर पे तेरे इल्जाम तो है, कोमल निषाद भी लगाया है, इल गबसा नी धप गरे गरे सा, तो खूबसूरती के लिए है। फिर यह गजल यूं है, उदास शाम किसी, अब इन्होंने मध्यम लगाया है ऊपर, किसी ख्वाब में ढली तो है, है ना। फिर है, शाम को सुबह है चमन याद ये, ये भी वैसी से। फिर जब तेरी राह से, ये सारी उन्हीं की गजलें हैं जो शिवरंजनी में उन्होंने बनाई है, जब तेरी राह से गुजरे, है ना। फिर हम और कुछ गीतों की बात करें, मैं ये गीत ये गजलें इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि आप इन गीतों को गजलों को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं शिवरंजनी यहाँ बैठेगी और आपको मालूम चलेगा कि शिवरंजनी में जब शब्द पिरोए जाते हैं तो किस प्रकार से आप उन्हें यूज कर सकते हैं। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे, मेहदी साहब का गीत है बहुत पुराना। फिर है ये, तेरी महफिल से ये दीवाना चला जाएगा, तेरी महफिल से ये दीवाना चला जाएगा, है ना। आप देख रहे हैं इसमें स्लो रिदम में भी बन रहा है और गीत और एक फास्ट रिदम में भी बन रहा है ना। अब फिर थोड़ा सा मेहदी साहब ने भी थोड़ी छेड़छाड़ करी शिवरंजनी से, तो क्या बनाया कि सबके दिल में रहता हूँ पर, या उन्होंने मध्यम और शुद्ध गंधार कितनी अलग ही ढंग से प्रयोग किया है, सबके दिल में रहता हूं पर दिल का आंगन खाली है, है ना। ये कुछ मेहदी साहब के गीत हैं। अब मैं आपको कुछ भजन अगर मैं बताऊं, पहले तो मैं आपको कुछ गीत मेरे ही बता देता हूं जो कि मेरे गाए हुए हैं, ये तो हमने फिल्मी और नॉन फिल्मी सुने। एक पिताजी का लिखा हुआ कंपोज किया हुआ एक गजल है, एक दिल मिल ही जाएगा हाथ मिलाते रहिए दिल, तो यहाँ पे मैंने भी एक शुद्ध निषाद का टच दिया है, दिल मिल ही जाएगा हाथ मिलाते रहिए, हल मिल ही जाएगा, हल मिल ही जाएगा, बात चलाते रहिए। कई बार दोनों गंधार साथ में भी प्रयोग किए जाते हैं ना, ये माहौल इससे बनता है एक।
और एक अभी जो लेटेस्ट हमने जो गीत गाया है जो कोरोना के ऊपर, वो भी इसी में है। और कब तक तेरा रोना कोरोना ओ कोरोना, है ना। और कब तक लाशें ढोना, निषाद, कोमल निषाद लगाए जबकि राग में नहीं है, है ना। फिर हम देखते हैं आखिर में दो शिव के भजन जो कि आपको बताएंगे। एक हमारा ही स्टूडेंट है, मेरा ही साथी है, जिसने ये भजन कंपोज किया था, संस्कार नागदा, लिखा हुआ पिताजी का ही है ये। हर हर भोले नाथ हरे हर, हर हर भोले नाथ, हम आए हैं द्वार तुम्हारे, दर र हर हर भोले, है ना, ये है। फिर एक पिताजी का लिखा बनाया गीत है, भजन है, जो बहुत उन्होंने पहले लिखा था और बनाया था। उठाया हरि ने शिव का वो धनुष पुराना, उठाया हरि ने शिव का वो धनुष पुराना। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो सीता का स्वयंवर, ये वहाँ का दृश्य है कि शिव का जो धनुष था उसको राम ने ही उठाया था और फिर टूट भी गया था कमान चढ़ाते चढ़ाते वो, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने ये जो गीत, गज़लें और भजन आपको बताए हैं राग शिवरंजनी में, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है शिवरंजनी और क्या इसका स्वरूप है। और कहीं अगर आपको अब ये दिखेगी तो आप पहचान पाओगे, कहीं आपको ये प्रयोग में लेनी होगी, कहीं वो रस देना होगा तो इसका इस्तेमाल आप कर सकोगे, ठीक है।